नरसिंहपुर जिले में इस कदर माँ नर्मदा में उत्खनन किया जा रहा है मानो आने वाले समय में उसकी हालत शक्कर सीतारेवा बारूरेवा सिंगरी जैसी ना हो जाए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच युवा प्रकोष्ठ नरसिंहपुर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से लिखित ज्ञापन दिया गया है और कहा है कि माँ नर्मदा में पूरी तरह से उत्खनन बंद किया जाए, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। यदि मां नर्मदा में उत्खनन करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर धारा 307 का मामला दर्ज कर उसके वाहन पर तत्काल राजसात किया जाए। मां नर्मदा का स्वरूप बेतहाशा मशीनों द्वारा उत्खनन करने से बिगड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां मां नर्मदा के विकास की बड़ी बड़ी बातें करती हैं पर जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि जल्द मां नर्मदा में पूरी तरह से उत्खनन पर प्रतिबंध लगे। आज जो ज्ञापन दिया गया है नर्मदा में उत्खनन पूर्णता बंद हो, क्या है ये? पिछले कई सालों से हम लोग नर्मदा समिति के माध्यम से विभिन्न घाटों पर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कई बार ये पहले भी ज्ञापन दिए हैं और आज जो मौजूदा वर्तमान सरकार है उससे भी जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी, लेकिन बावजूद उसके 21 घाटों की नीलामी की गई है और जिले में 21 घाटों की जिनमें नीलामी की गई है उन घाटों में नर्मदा जी के घाट भी शामिल हैं। और होता ये है कि जब किसी पंचायत के सुपुर्द घाट को किया जाता है तो उसके आसपास की जो रेत है वो तक निकालने का काम किया जा रहा है और यही नहीं जो रेत माफिया वो नहीं रोकते बल्कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनसे जल के अंदर से भी रेत को निकालने का काम किया जा रहा है और अभी भी जारी है। हम लोगों ने ये मांग की है प्रशासन से कि इन जो घाटों की नीलामी की गई है उसको रद्द किया जाए और ख़ासतौर पर नर्मदा जी से जो रेत निकाली जा रही है उसको नीलामी तो रद्द की जाए। क्या नाम है? राजकुमार बोलो।